अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सारे मेरे पत्रकार वीर और खास तौर पर साढ़े बहुत ही सत्कारयोग आनंदपुर साहब हल्के के साढ़े मैंबर पार्लियामेंट मनीष तिवाड़ी जी, उन्हां दे नाल साढ़े पंजाब कांग्रेस के जनरल सकत्तर राणा कुलदीप सिंह जी, साढ़े मार्केट कमेटी के चेयरमैन चमन सिंह भानमजारा जी, साढ़े नगर काउंसल नवा शहर के प्रधान सचिन दीवान जी, साढ़े शहर के कांग्रेस के प्रधान जयदीप जांगड़ा जी, साढ़े पंजाब के सत्कारयोग इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन पवन दीवान जी, इन्हों भी मैं अज इत्थे वेलकम करदा। और मैं तिवाड़ी साहब मेरे तो बाद बोलूंगे, उस तो पहला मैं थोड़ा जिहा तुहानू ब्रीफ करना चाहता कि अज साडे वास्ते कांग्रेस पार्टी वास्ते नवां शहर दे जिहड़ी कांग्रेस टीम आ सानू एक अज बहुत बड़ा समझदा कि परमात्मा वल्लों एक अज सानू बूस्ट मिलिया, अज साडी हौसला बजाई हुई है। क्योंकि अज जिहड़े लोग अज सानू कांग्रेस पार्टी में जॉइन कर रहे हैं, तुसी लोग उन्हां नू पिछले पुराने समय तो जानते हो, उन्हां दे परिवार नू जानते हो, उन्हां दी छवि नू जानते हो, और जिस तरीके नाल पिछले लंबे समय तो वो अपनी वख-वख पार्टियां नाल जुड़े सी, उहदे वास्ते उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कामयाब भी किया, पर अज उन्होंने फैसला किया कि साढ़े सत्कारयोग तिवाड़ी साहब नवां शहर दे विच जो डिवेलपमेंट के काम हो रहे हैं उन्होंने मुख रखते हुए उन्होंने होर गति देने वास्ते साड़ी आज हौसला बजाई करने लिए अज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया। इस मौके पर मैं खास तौर पर साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े वीर करण दीवान जी अते कपिल कृपाल जी, इन्हों का मैं तह दिलों धन्यवाद करदा, जिहड़े कि पिछले लंबे समय तो बीजेपी अते अकाली दल दे यूथ दे ओ जिहड़े लीडर समान सीगे। जे मैं करण दीवान जी की गल करा, वो जिले के युवा मोर्चा के जिहड़े प्रधान सीगे। कपिल जी की गल करा, वो थोड़े नवां शहर के अकाली दल के सीनियर यूथ आगू सीगे, दुआबे के स्पोक्सपर्सन सीगे। सो अज मैं थोनू कांग्रेस पार्टी विच वेलकम करदा, और मैं थोनू ये विश्वास दवांदा कि थोड़ा इस पार्टी विच इस परिवार विच पूरा मान सत्कार होगा, और जो साढ़े नवां शहर की रहिंदी डिवेलपमेंट है, मानयोग श्री मनीष तिवाड़ी जी साढ़े एम पी साहब अते साढ़े मुख्यमंत्री साहब उन्हां दी लीडरशिप दे विच आप अपने रहिंदी डिवेलपमेंट जिहड़े सरकार की रहिंदी टर्म रहिंदी है उन्हों अगले छे महीने च आप मुकम्मल करन दी कोशिश करांगे, ताकि जब आप लोगों की कचहरी जाके खड़े आपां ओ उन्हां नूं दस सकीए कि आपां किहड़े किहड़े काम कीते आ। सो मैं अज तुहानूं वेलकम करदा, बहुता लंबा ना जांदे होए एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा, और इसी मौके पर मैं थोड़े पत्रकार वीरां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जय हिंद। इन्हां नूं फॉर्मली उप लियाओ, इन्हां नूं ओ लियाओ, ओ कांग्रेस वाला लियाओ। ਲਓ ਅੰਗਦ ਜੀ ਪਾਓ ਸਰ, ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ, ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਕਪਨ ਨਿਤਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਪਵਾਲਾ, ਆ ਜਾ ਜਾ ਨਿਤਨ, ਆ ਜਾ ਨਾ ਨਿਤਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਾਓ, ਜਬ ਜੀ ਪਾਓ, ਆਓ ਚੱਲ। ਹੋ ਗਿਆ हो गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर राणा कुलदीप सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े कांग्रेस के होर बहुत ही सिरकट साथी, और इत्थे आए मेरे सारे प्रेस वीरों। सब तो पहला ता मैं कपिल कृपाल जी का, जो दुआबा जोन के अकाली दल के स्पोक्सपर्सन सन,
और करण दीवान जी का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवें शहर के जिला प्रधान से उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने जी आया आखदा हाँ और मैं इन्हों ये भरोसा दवाना चाहना है कि कांग्रेस पार्टी के इन्ह का पूरा मान सत्कार होगा और इन्हों के पार्टी आने नाल सानू बड़ा भरमा हंगारा मिलया है का। पार्टी साड़ी मजबूत हुई है और आने वाले समय के अंगद जी नाल मिल के होर साढ़े साथियों नाल मिल के साडे नगर काउंसिल दे जिन्हें साडे चेयरमैन साहब ने काउंसलर साहबान ने उन्होंने मिल के शहर के विकास और शहर की तरक्की दे विच वो अपना योगदान पाउणगे। इस तो अलावा अज असी अंगद जी और मैं विकास के कम्मां नूं मुख रखदे होया जिहड़े नवां शहर हल्के दे पिंड ने उन्हां चार पिंडां दा दौरा रख्या सीगा और मेरे वास्ते बहुत ही खुशी दी गल है कि बुरज टहलदास दे विच जिथे असी होके आए उत्थे 70 लाख रुपये दा कम जिहड़ा कुछ हो चुके अंग जी ने शुरू कराया सीगा असी उहदा जायजा लेके आए। इदां ही भांबड़े दे विच 60 लाख रुपये दा कम जिहड़ा शुरू होया सीगा उहदा भी असी जायजा लिता। कुछ नवे कम्मां ने नींह पत्थर रखे भालटा कलां दे विच 55 लाख रुपये का कम चल रहा है कंप्लीट है सर और अपना पूरा हो गया है और उस कम नूं भी असी देख के आए सीगे। PMGSY दी एक सड़क सी जिहदा कम अधूरा है क्योंकि उहदे च कुछ टेक्निकल इशूज़ ने तो मैं और अंगद जी उस PMGSY 3 च जिहड़ी सड़क पई हैगी है उहदा जायजा लेना चाहुंदे सीगे पर कोई गल नहीं अगले हफ्ते बाद 5 दिनां बाद असीं फिर दोबारा तो जाके उहदा जायजा लै लांगे। एक बार फिर तो मैं साथियों का स्वागत करना चाहुंदा है थोड़े जे कोई सवाल होण तां मैं थोड़े सवालों का जवाब देने वास्ते हाज़र हाँ। मेरी बहुत बेनती है जे तो रेजिग्नेशन फेसबुक हो रोज नवे बंदे जाने तो नवे आ जाने इदा भी कुछ हो गल इदा कि शहर में जो कुछ लोग आज उन्होंने बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अज एक अच्छी टीम किवें बन गई शहर की डिवेलपमेंट करने वास्ते उन्हों की कोशिश आ जिदा नारद मुनि नहीं होंगे एक वो कोशिश करता कि मैं अपने वालों करा थोड़ा बिगाड़ पाव वो पेश नहीं जा रही। ठीक है साडा को परिवार का मैंबर साढ़े ना किसी गलते नहीं सहमत हो सकता साड़ी कोशिश अपने अपने परिवार च बैठ के उन्होंने समझावे पत्यावे साढ़े परिवारिक मैंबर मसला बाकी सारे साढ़े मैंबर जोड़े आ उन्होंने पॉलिटिक्स बाद चा पहला उन्होंने वार्ड की और शहर की डिवेलपमेंट आ और उन्हों का पहला अपना जोड़ा मेन फोकस आ और सैटिस्फाइड आ अपने हल्के दे अपने वार्ड के काम करा रहे और आने वाले समय से आप होर बढ़ चढ़ के उन्होंने शह वार्डा के काम और शहर की डिवेलपमेंट करा। तिवारी साहब एक अकाली दल और बसपा का जरा समझौता है उन्होंने लैके कांग्रेस की प्लानिंग है की तैयारी किस तरह उन्होंने लै रही है। देखो अकाली दल बसपा का समझौता तो जरूर होया पर समझौता सिरे चढ़ूगा कि नहीं ये कोई नहीं कह सकता अजे 8 महीने पे ने चोणों के और तुसी हरियाणे देखिया ही सीगा कि मैं बसपा का समझौता होया सी फिर टुटिया सी फिर दूजे नाल होया सीगा तो अजे समा बहुत पिया है तो इसलिए मैनू तो इस गल की अजे कोई संतुष्टि नहीं है कि जब तक चोण आऊगी तद तक उन्होंने समझौता रहूगा भी। सर सांसद रणजीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर अकाली दल और बीजेपी ने अज अर्थी फूक प्रदर्शन किया है तो उन्होंने ये भी गल लीडर ने कही है कि आने वाले समय के MP और MLA के भी इदा ही खराब किए जाऊंगे जो सांसद रणजीत सिंह बिट्टू के उपर परचा नहीं होता इस इनू लेके सर उन्होंने बयान को लेकर तुम की कहना चाहते हैं कि वह बयान सही सगा या वह बयान वाकई गलत सगा ताकि इन्होंने जो इशू चुकया
देखो इदा है कि सरदार रवनीत सिंह बिट्टू पहला श्री आनंदपुर साहब तो सांसद से गए, उस तो बाद मेरे बाद वो लुधियाने की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैं उन्हां दा बयान नहीं देखिया हैगा, पर मैं उन्हां दा स्पष्टीकरण जरूर पढ़िया सी अज अखबार दे विच कि उन्हां जी एही जी कोई मंशा नहीं सी। गल ये है कि कांग्रेस पार्टी इस गल दे विच विश्वास रखती है कि मानस की जात सब एक पहचान। जदों हिंदुस्तान दे संविधान की संरचना हुई सी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी दे नेतृत्व थले और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वड्डे वड्डे दिग्गज बैठे सिगे और उन्हां चों ज़्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित सिगे, उन्होंने उदो फैसला लिता सिगा कि ये जिहड़ी छुआछूत है इनू असी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे के समाप्त करते हैं, जिहड़ी बेगार लेबर है उन्हों असी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे के समाप्त करते हैं। तो कांग्रेस की यह परंपरा रही है कि खासकर जेड़े लोग शोषित ने, जेड़े वंचित ने, जेड़े पिछड़े हुए ने, उन्होंने असी सब तो मूहरे वाली कतार च खड़ा करते हैं कि यह कांग्रेस की परंपरा है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि खासकर जेड़े जेड़ा समाज बहुत सदियों तो पिछड़िया रहा हैगा, ये साड़ी जिम्मेवारी बनती हैगी है और ये जिम्मेवारी पिछले 70 वर्ष कांग्रेस पार्टी ने निभाई है कि असी उन्होंने मूरली कतार दे विच खड़ा करिए। एक एक करके देखो ये गंभीर मसला है और मैं भी ब्रह्म महिंद्रा जी नूं ये बेनती की है कि इस मसले को जल्द सुलझाया जाए। आज तो 15 दिन पहला स्पीकर साहब राणा कंवरपाल सिंह जी और मैं नंगल गए थे, उदों ऑक्सीजन की घाट सी कोविड करके, असी एक नवा पुराना एक ऑक्सीजन प्लांट उत्थे शुरू कराया सेगा और उदों असी साफ तौर पर गल कही सी कि जेड़ी सफाई कर्मचारी ने असी उन्हां दी मंगा दे नाल है, क्योंकि मेरा यह मानना हैगा उन्हां दी जिहड़ी रेगुलराइजेशन दी मंग हैगी है वो मंग बिल्कुल जायज़ हैगी है और इसलिए मैं ब्रह्म महिंद्रा जी नूं अचेचा ये गल ये बेनती की है कि ये मसला जंगी पद्धर दे उपर सुलझाया जाए। तिवाड़ी साहब, एक अकाली दल जत्थे गठजोड़ करन करके अपनी पार्टी नूं मजबूत करन च लगा हुआ, कांग्रेस विच सिद्धू नूं लैके जिहड़ी आपसी खिचोतानी चल रही है, लॉस इन्नी कसरे दी आने वाले इलैक्शन क्योंकि 8 महीने हुए सन। देखो इदां है, कांग्रेस पार्टी दे विच कोई खिचोतान नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक मुठ है। दिल्ली जेड़ी एक्सरसाइज हुई सी उस एक्सरसाइज का ये मतलब सी कि किस तरह आपां चोणां दे विच होर मजबूती नाल अगे वध सकीए, उहदे वास्ते सरकार ने नूं की करना चाहिए अगले 8 महीने वास्ते। इसलिए सारे MLA साहिबान नूं और MP साहिबान नूं और कांग्रेस के जिहड़े सीनियर लीडर्स ने उन्होंने तकलीफ दी सी। अंगद जी भी गए थे, तुम अंगद जी तो भी पूछ सकते है कि वैसे तो जो कमेटी के सामने कहा जाता वो गोपनीय हुंदा है, पर कमेटी ने डिवेलपमेंट नूं मुख रखदिया होया सारे सवाल पूछे सके, क्योंकि उहदा सिर्फ इक्को मकसद सी कि 4.5 साल साडी सरकार रही है, पिछले 4.5 साल दे विच असी की विकास का कम कर चुके हैगे और आने वाले 8 महीने दे विच असी की कम करना है। इस तो अलावा कांग्रेस दे विच कोई खिचोतान नहीं है। हाँ, हर बंदे दी एक एस्पिरेशन हुंदी है, महत्वाकांक्षा हुंदी है, जिहड़े सियासत ने लोग हर बंदा एंबिशन रखता हैगा, पर जिवें अंगद जी ने पहला किया अपना नवां शहर दे संबंध विच कि कांग्रेस एक परिवार है और जे कितें कोई मन मटाव छोटा मोटा हुंदा है असी परिवार दे विच बैठ के नबेड़ लैंदे हां। कैबिनेट दे विच कोई फेरबदल करके इस चीज़ नूं हल करन दी कोशिश, देखो इदां है, कैबिनेट दे विच की फेरबदल होनी चाहीदी है वह चीफ मिनिस्टर साहब दे अख्तियार दी गल है, वह मेरे अख्तियार दी गल नहीं हैगी है। इस सवाल का जवाब सिर्फ मुख्यमंत्री साहब दे सकते हैं
कि क्या वो अपनी कैबिनेट दे विच फेर बदल करेंगे कि नहीं। सर एक क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि तुसी आप भी मन्ने भी एक्सरसाइज हुई है दिल्ली इस ते उहदे च तुसी भी क्योंकि इनवॉल्वमेंट तुहाडी भी नहीं होगी एमएलए साहिबान भी उत्थे रहे होंगे उहदे च कोई ना कोई सिट्टा तां निकलिया होगा। मैं उही कह रहा उस एक्सरसाइज का मतलब ये कि आने वाले जिहड़े 8 महीने ने विकास नूं मुख रखदे हुए और जिहड़े वड्डे राजनीतिक मुद्दे ने सूबे दे खासकर जिहड़ा किसानां दा अंदोलन चल रहा हैगा इन्हां चीज़ां नूं मुख रखदे हुए साडी पोलिटिकल रणनीति की होनी चाहिए है राजनीतिक रणनीति की होनी चाहिए है इस चीज़ नूं लैके अपना मल्लिकार्जुन खड़गे जी थोड़े हरीश रावत जी और जे पी अग्रवाल जी ने सारे कांग्रेस के लीडर साहबाना गल की सी उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस लीडरशिप नूं कांग्रेस प्रधान नूं सौंपती है। मैं एक 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 थोड़ा जिहा इहदे च मैं ऐड करना चाहूँगा। देखो अज आपां पिंडां च गए अपना पिंडां जाण दा की कारण सीगा अज कि जिहड़ा पिंडां च पिछले 4.5 साल तो आपां डिवेलपमेंट का काम कराने की कोशिश कर रहे हैं एक बारी उहदा देखना ग्राउंड पद्धर ते कि वह वाकई कंप्लीट होया या नहीं होया किहड़े काम रहिंदे आ और ये अज की गल नहीं है। जे तुसी पुराने समय तो देखो मेरे फेसबुक पर भी अपलोड हो रही तो पिंडां च भी जाके पुछ सकते हो ये एक्सरसाइज बड़ी देर दी चल रही है कि आपां रहिंदे काम पूरे कराइए क्योंकि 8 महीने बाद लोगों की कचहरी जाके खड़ना और मेरा ये मानना कि जब लोगों की कचहरी जाके खड़ो उन्हां नूं इदा जबानी ना दसो कि यह काम थोड़ा पास हो गया जो पिछली सरकारां ने किया उन्हां नूं काम दिसे। सिमिलरली जिहड़ी साडी सेंट्रल लीडरशिप आ उन्होंने साडे तो फीडबैक लिया कि थोड़े पिछले 4.5 साल के समय डिवेलपमेंट नू लैके हल्के विच किहड़े किहड़े काम होए आ किहड़े किहड़े काम नहीं होए। जे मैं अज कहां कि सारे काम हो गए बिल्कुल गलत आ सानू हाडे साडे को सरकार को 7-8 महीने का समा है। मैं दुआबे तो बिलोंग करदा नवांशहर जिले तो बिलोंग करदा कई इहो जिहे मुद्दे सीगे जिहड़े कि मैं महसूस करदा जिहड़े कि हाले सरकार ने उहनू प्रायोरिटी ते नहीं कर सकी पर हुण भी देरी नहीं है अज भी हो जाए तो वह साढ़े लिए ठीक रहेगा और लोगों को उस गल की राहत मिलेगी। जिहदे चों एक बड़ा जिहड़ा मसला सीगा वह सीगा सोसाइटियां का जिहड़ा करजा माफ होंदा 20-22 हज़ार वाले क्योंकि तुसीं जानदे हो कि मार्जिनल जिहड़े थोड़े फार्मरस आ जिन्हां दे 2-2.5 किले सीगे उन्हां दे करजे माफ हो गए सी पर हाले सरकार अपने करजे जिहड़े आ उह सोसाइटियां वाले माफ नहीं कर सकी। सो ये गल्लां दी डिस्कशन इदां दे बड़े मसले सीगे मैं तुहानूं एक छोटा जिहा एग्जाम्पल दिता। सो ये गल्लां करके जिहड़ी मीटिंग हुई सी आपां अपनी जिहड़ी गल्लबात आ उत्थे रखी है सारी गल्लां आपां नहीं कर सकते। सो मैनूं पूरा यकीन है कि आने वाले समय च इहदा एक अच्छा रिजल्ट निकलूगा। ठीक है डिवेलपमेंट की गल कर रहे हैं एमएलए साहब ने खुद कहता कि सारे काम तो मुकम्मल नहीं हुए पर लोगों के मन में यह भी सवाल है कि साढ़े जे आनंदपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंस तो पार्लीमेंट तो जो MP ने कभी आके सा हाल चाल भी पूछ कभी हमेशा आप लाम लश्कर लैके आने इनोग्रेशन होंगे ने जब डिवेलपमेंट के बारे दस आने कभी आके साथ दर्द भी सुन मोदी साहब तक भी पहुंचो। ऐसा है कि देखो मेरा ये असूल रहा है कि मैं हल्के ज़्यादा वध तो वध विचरन की कोशिश करता। पिछले 14 महीनों तो पिछले मार्च तो लेके हुण तक निरंतर और लगातार लॉकडाउन ही चलते रहे ने पर उन्हां लॉकडाउन दे विच भी असीं क्या कहने कोशिश की है कि जिहड़ा विकास का कम है वह रुकना नहीं चाहिए जिहड़े कोविड के प्रोटोकॉल्स ने उन्हां दा पालन करते हुए कि इदां ना लगे कि साडी राज सरकार ने हदायतां जारी कीतियां ने और असी उन्हां हदायतां दा उलंघन कर रहे हैं। पर जदों थोड़ा जिहा कोविड दा माहौल होर खुलेगा ये रिस्ट्रिक्शंस थोड़ियां होर रिलैक्स होणगियां असी जरूर जाके संगतां दे दर्शन करांगे। मैं तां पिछले 5 दिन तो असी बलाचौर उस गढ़ शंकर अपना अज नवां शहर गरोपर पहला खरड़ अज तक कि घूमते ही रहिंदे आ पूरा दिन। देखो ऐसा है मैं तुहानूं दसदा ऐसा कि श्री आनंदपुर साहब लोग सभा हल्के 1800 पिंड ने मोहाली शहर है अगे कुराली शहर है फिर खरड़ शहर है फिर रोपड़ शहर है फिर क्या कहने ने अपना आनंदपुर है फिर नंगल है फिर बलाचौर शहर है फिर नवा शहर है फिर बंगा है फिर गढ़शंकर है। सो देयरफॉर ये जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है
ये पंजाब की बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसियां वांगों नहीं हैगी, ये चार जिले कवर करती हैगी है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जिन्ना मैक्सिमम मैं कर सकता उन्ना मैं करने की कोशिश करता हैगा, राइट। सो देयरफॉर पर हाँ, ये जो हल्का है ये जियोग्राफिकली चैलेंजिंग है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव वास्ते। डॉक्टर साहब, जिहड़ा हुण किसान हैगी है, पहला बीजेपी के नेतावां दा विरोध करते सीगे, हुण कांग्रेस के नेतावां दा विरोध करनी शुरू करते, जिवें अज दी गल कर लईए तुसीं, आ जाणा सीगा तां कल किसान ने उन्होंने करके कहा कि देखो इदा है कि चंगा हो सवाल पूछ लिया, तुम सवाल पूछ लिया चंगा हो। अज सवेरे जदों 10 बजे असी बंगे तो चले, साढ़े मोहन लाल जी बंगा, उन्होंने अज जन्मदिन सेगा, उन्होंने अखंड पाठ सुख्या होया सेगा, मैं भी उत्थे मत्था टेकन गया सेगा। तो मैं एक वीडियो देखिया कि एक दुआबा किसान यूनियन ने मेरा विरोध करन वास्ते किसानां नूं अपील कीती हैगी है कि सानू पिंडां च नहीं जाना चाहिए विकास के कम्मां नूं लेके। मैं उन्हां नूं एक गल दसना चाहुंदा हैगा कि असी किसान जथेबंदियां दे जिहड़ा अंदोलन है उहदी पिछले एक वरे तो तर्जमानी करते रहे। जदों 5 जून नूं ऑर्डिनेंस इशू होया, जिस कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस इशू किया उस कैबिनेट की हरसिमरत कौर बादल मैंबर सन, उन्होंने ना तो कैबिनेट के ऑर्डिनेंस का विरोध किया और ना ही उन्होंने उस तो बाद इस्तीफा दिता। 8 जून नूं जदों पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने की इन ऑर्डिनेंसिस नूं लेके, क्योंकि ऑर्डिनेंसिस पढ़न च उन्हां नूं समझण च उहदा की इंप्लीकेशन है समा लगता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं की सी। सब तो पहला विरोध इस इन ऑर्डिनेंसिस दा जे किसे ने किया तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया सी, और कांग्रेस पार्टी वल्लों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं की सी। उस तो बाद जो सितंबर दे विच ये बिल लेके आए पार्लियामेंट दे विच, असी उन्हां बिलों का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने उस इन्हां बिलों के खिलाफ वोट पाई। उस तो अलावा असी जिहड़े कांग्रेस के MP सीगे, असी निजी प्राइवेट मैंबरस बिल मूव किए कि ये जिहड़े तीनों ऑर्डिनेंस ये तीनों फार्म बिल्स ने जिहड़े कानून ने किसानी वाले जिहड़े काले कानून ने इन्हां नूं रद्द किया जाए। इस तो अलावा मैं रेगुलरली पंजाब केसरी और जगबाणी च लेख लिखता हैगा, जिहड़े मेरे सितंबर अक्तूबर नवंबर के लेख ने वह इन्हां नूं पढ़ लेने चाहिए सके। जिनी तर्जमानी असी कीती हैगी है किसानां दे हक्कां दी, मैनू नहीं लगता कि किसी होर किसी राजनीतिक पार्टी ने कीती हो। और जे ये नहीं चाहते कि पंजाब दे विच विकास का काम होवे तां फिर ये इन्हां दी मर्जी हैगी। अज असी कोई सियासी दौरे ते नहीं गए सीगे, असी विकास दे कम्मां नूं उहदा लेखा जोखा लैण वास्ते गए सी। जिस एक पिंड दे विच असी कैंसल कीता जाणा अपना वजीदपुर, उत्थे PMGSY3 दी एक सड़क हैगी है 8 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर गुरु नानकपुरा टू वजीदपुर, और दूजी सड़क है पाटा कला टू लाले आल तलवंडी सिबो, 10 किलोमीटर स्ट्रैच है, 10 करोड़ की कीमत है। अच्छा, वो कह के ना सड़क MLA साहब ने रिकमेंड कीतियां सीगियां, मैं PMGSY3 च पोईयां सीगियां, उहदे च कोई टेक्निकल इशू सीगा क्योंकि वो PMGSY वास्ते सड़क की अपना विड्थ चाहिदी हुंदी हैगी है, तो वो असी देखण गए सीगे। सो इसलिए मैनू ये गल मनभागी लगी कि जिन्हां दे हक्कां दी असी तर्जमानी करते रहे हैं उन्होंने बगैर साडे बयान संसद के अंदर संसद के बाहर, और असी जो इन्हां वास्ते कहिंदे लिखते रहे हैं उन्हां नूं दरकिनार करके जो वीडियो पाया हैगा वो बिल्कुल तथ्यां तो परे है। मैं किसान यूनियन नूं बेनती करना चाहुंदा हैगा, असी कोई उन्हां नाल कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहुंदे,
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਤਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਜੀਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 100-150 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਹੋਈ ਚੱਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਗੜੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਐਮ ਪੀ ਸਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 25 ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਵਾਨ ਮਿਲੇ ਆ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਫਿਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੇ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਛ 2-4 ਕਿਸਾਨ
अपने किसी परसनल मोटिव नाल माहौल खराब करन दी कोशिश करन तो एक गल भी कोई चंगी नहीं। गल ये है कि अज चार पिंडा दा प्रोग्राम अज नवां शहर च रख्या सी, की उत्थे कोई स्टेज लगी सी, की उत्थे कोई माइक लग्या सी, की साडी ड्यूटी नहीं है कि आपां पिंडा जाके डिवेलपमेंट कराइए। अज जे सेंटर तो आपां 10 करोड़ की सड़क पास कराई है गुरु नानकपुरे तो बजीतपुर और पाटे कले तो तलवंडी साबो, और उहदे विच जे कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम है कि साडे एमपी का फर्ज नहीं बनता वो सड़क देख के आन तो उहदी टैक्नीकल प्रॉब्लम दूर करन। अज ये बंदिया ने साडे डिवेलपमेंट के काम नूं रोकिया। मैं इस गल की सख्त लफ्जा च निंदा करदा, मैं किसानों के नाल डट के खड़िया, पर जे कोई भी बंदा डिवेलपमेंट के काम नूं रोकूगा मैं उस बंदे की बिल्कुल हमायत नहीं करूँगा। किसानों के नाल आपां डट के खड़े हाँ, पर जे कोई परसनल बंदा अपना परसनल एजेंडा चलाना चाहता और साडा डिवेलपमेंट रोकना चाहता इलाके की, एक गल नहीं इत्थे चलूगी। आपां कुछ दिन फिर उत्थे जावांगे और सारे पिंडां जावांगे, पहलां भी जांदे रहे हुण भी जावांगे, और जिहड़े रहिंदे हल्के दे काम उहनूं पूरे करावांगे। देखो मैं एक गल अपना जो अंगद जी ने कही उहदे उस जोड़दे होए सिर्फ मैं एक गल कहना चाहुंदा है कि जिहड़ी दुआबा किसान यूनियन है इहनू ये फर्क करना सीखना चाहिए है कि उन्होंने हमायती कौन ने और उन्होंने दुश्मन कौन ने। अपनी अपने हमायतियों की विरोधता नहीं करी दी होती। देखो जे असी जाना चाहते असी 3 जगह जाके आए थे, 4th जगह भी जा सकते थे, और सानू भी 40-40 साल हो गए काम करदियां नूं, कोई नवा काम तो है नहीं साढ़े वास्ते, पर असी कह कहने ने क्योंकि उन्होंने नाल है, उन्होंने सेंटीमेंट्स की उन्होंने स्ट्रगल की कदर करते हैं, तो इसलिए असी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, राइट। पर मैं उन्होंने बेनती करना चाहता जो उन्होंने मन च कोई गलत फहमी है कदे भी आके गल कर लेन, असी कह कहने गल करने तैयार है, आपां भी उन्होंने को जाके गल करने तैयार है। जिथे साडी लोड है सानू वरतो, जो साडे तो कराना कराओ, पर गलबात करो। लड़ाई तो साडी मोदी नाल आ, दुश्मन साडा अहंकारी मोदी आ, ते आपां अपने घर च ही खलारा पा के बैठे आ। जब तक घर नहीं इकट्ठा होगा लड़ाई किवें लड़ांगे। देखो इदा है कि मैं इस नहीं जाना चाहता कि उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन क्यों हैगी है। गल ये है कि वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उन्होंने गल सुनती नहीं पी, असी लोग कह कहने उन्होंने साथ है, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने कानून स्टे करते हैं, राइट। सो इन एनी केस कानून तो इंप्लीमेंट हो नहीं रहे, राइट। हुण गल ये है कि सरकार उन्हें उस चीज़ को वापस, उन्होंने मांग है कि सरकार वापस लवे। मैनू नहीं लगता कि NDA भाजपा सरकार ये कानून वापस लवेगी। ये कानून उदों वापस होंगे जदों केंद्र दे विच कांग्रेस की सरकार बनेगी या एहजी पार्टियां की सरकार बनेगी जिहड़े किसान पक्षी ने। तो इसलिए मैं ये बेनती करना चाहना हैगा कि दुआबा किसान यूनियन नूं भी कि अपने हमायती और अपने दुश्मनों के विच फर्क करना सीखो। देखो मैं तो कह कहने थानू दस रहा है कि असी सरकार च नहीं है, ओके। असी तो उन्होंने हकों की तर्जमानी कर सकते हैं, असी उन्होंने हक च हाँ का नारा मार सकते हैं, उन्होंने गल अगे रख सकते हैं, वो असी की हैगी है, राइट। मैं तो इनफैक्ट जे सुप्रीम कोर्ट जदों इस मामले पर बहस होगी तो किसी न किसी किसान जथेबंदी वास्ते सुप्रीम कोर्ट बहस भी करूँगा। सो इसलिए असी तो जो कर सकते हैं वो करांगे, पर अज की तरीक सरकार उन्हां दी है, बहुमत उन्हां दा हैगा, और जे सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो जाए, लोगों की गल ना सुनना चाहे, तो सिर्फ एक ही तरीका है ना कि जदों सरकार बदलेगी तो जिहड़ी नवीं सरकार आऊगी, और असी पब्लिकली गल कही है, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पब्लिकली गल कही है, 1 बार 10 बार कही है कि जदों सरकार साडी बनेगी असी काले कानून वापस लवांगे। थैंक यू। सर तुम एक तरफ कह रहे हो जी कि पिछले 4.5 साल के सरकार ने बहुत वधिया काम किया, बड़ा चौबी परसों कल कह के आए थे सर, मुलाजम तो हड़तालों पर चल रहे हैं जी, सफाई कर्मचारी तो हड़तालों पर चल रहे हैं जी,
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ ਸਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਐੱਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਜੈਦੀਪ ਜਾਂਗੜਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਊਗੀ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਮੇਨ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹਮਖਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਏ ਸਚਿਨ ਭਾਈ ਕਿ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸਰ ਕਪਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਔਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ